नमस्कार दोस्तों, 1 मई 2021 से देश के 18 प्लस एज के लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगना शुरू हो जाएगा, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन और अपॉइंटमेंट बुक करना जरूरी है। तो यहां पर दोस्तों, आप चाहें तो हॉस्पिटल में जाकर या तो फिर वैक्सीनेशन सेंटर में जाकर ऑफलाइन यहां पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, और आप चाहें तो ऑनलाइन घर बैठे ही उमंग ऐप, आरोग्य सेतु ऐप या तो फिर cowin.gov.in पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बता देता हूं कि आप घर बैठे ऑनलाइन किस तरीके से इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, अपने पूरे फैमिली मेंबर्स को उसमें ऐड कर सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिए। दोस्तों, कोरोना वैक्सीन की रजिस्ट्रेशन के लिए आपको कोई सा भी ब्राउजर ओपन कर लेना है और लिखना है cowin.gov.in। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। वैसे तो यहाँ पर जैसे ही आ जाएंगे, आप देख सकते हैं अब लिखकर आ गया है एज 18 प्लस रजिस्ट्रेशन ओपन। तो रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर दोस्तों सिंपली नीचे स्क्रॉल करना है, आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर जानकारी मिल जाएंगी। यहाँ पर आप अपने नियरेस्ट वैक्सीनेशन सेंटर को लोकेट भी कर सकते हैं, पिन कोड एंटर करके या फिर एड्रेस एंटर करके आपको इस मैप पर दिखा दिया जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको रजिस्टर करना है तो सिंपली रजिस्टर योर सेल्फ बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद ये आपको एक दूसरे पेज पर ले जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर कर लेना है और उसके बाद गेट ओटीपी बटन पर क्लिक कर देना है। आप चाहें तो यहाँ पर आरोग्य सेतु या तो फिर उमंग ऐप के जरिए भी साइन इन कर सकते हैं। तो हमने मोबाइल नंबर एंटर कर लिया है, गेट ओटीपी बटन पर क्लिक कर लेते हैं, जिसके बाद हमारे मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा। ओटीपी एंटर कर लेने के बाद वेरीफाई एंड प्रोसीड बटन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर देखिए आ चुका है, यू कैन रजिस्टर फॉर मेंबर्स विथ वन मोबाइल नंबर। आप एक मोबाइल नंबर से अपने फैमिली के 4 मेंबर्स को यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं। तो सिंपली रजिस्टर मेंबर बटन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर देखिए, रजिस्टर फॉर वैक्सीनेशन, योर फोटो आईडी विल बी वेरीफाइड एट द टाइम ऑफ योर वैक्सीनेशन अपॉइंटमेंट, प्लीज प्रोवाइड द डिटेल्स ऑफ फोटो आईडी यू विल कैरी फॉर वैक्सीनेशन। तो यहाँ पर आपको जो है कोई सा भी अपना फोटो आईडी प्रोवाइड करना होगा, जैसे कि आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट या तो फिर पेंशन पासबुक। और ध्यान रखिए, जो भी सिलेक्ट करते हैं आपको वैक्सीनेशन के लिए जब जाते हैं तो उस टाइम पर आपको लेके जाना होगा साथ में। तो मैं यहाँ पर आधार कार्ड सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर आधार कार्ड नंबर एंटर कर लेता हूँ, यहाँ पर नेम एज इन आधार कार्ड, आपके आधार कार्ड में जिस तरह का नाम है या तो फिर आपने जो भी डॉक्यूमेंट सिलेक्ट किया है उसमें जिस तरह नाम है वैसा ही नाम एंटर कर लेना है। यहाँ पर जेंडर सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ पर आपकी जन्म तिथि का सन लिख देना है और यहाँ पर सिंपली रजिस्टर बटन पर क्लिक कर देना है। तो देखिए यहाँ पर आ चुका है इंडिविजुअल रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। अब यहाँ पर दोस्तों नॉट वैक्सीनेटेड लिखकर आ रहा है, क्योंकि हमने अभी कोई भी वैक्सीन नहीं लगवाया है। यहाँ पर दोस्तों ऐड मेंबर बटन पर सिंपली आप क्लिक करके अपने फैमिली में अगर और भी मेंबर को ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक मोबाइल नंबर से आप 4 मेंबर आईडी को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम जो है अपने मेंबर जितने भी हैं उनको ऐड कर लेते हैं, और उसके बाद दोस्तों आप जिस भी तारीख को वैक्सीन लगवाना चाहते हैं उसके लिए अपॉइंटमेंट आप सेट कर सकते हैं यहाँ शेड्यूल बटन पर क्लिक करके। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर अपने फैमिली मेंबर ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पर भी सेम उसी तरीके से आप अपने फैमिली मेंबर के डिटेल एंटर करके उसे ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने अपने फैमिली मेंबर को ऐड कर लिया है। तो उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर शेड्यूल का यहाँ पर बटन दिख जाएगा, तो सिंपली शेड्यूल बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको शेड्यूल नाउ बटन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको जो है सबसे पहले अपने वैक्सीनेशन सेंटर जो है अपने आसपास उसको सर्च कर लेना है। तो आप यहाँ पर पिन कोड एंटर कर सकते हैं, उसके बाद सिंपली सर्च बटन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपने जो भी पिन कोड एंटर किया होगा तो उसके अंतर्गत जितने भी वैक्सीनेशन सेंटर हैं वो सब दिखा दिए जाएंगे। और यहाँ पर दोस्तों आप फिलहाल आज के तारीख में, आज जैसे कि 28 अप्रैल को मैं ये बता रहा हूँ आपको, तो आज यहाँ पर लिख कर आ रहा है मिनिमम एज लिमिट फॉर बुकिंग 45+। तो अभी भी जो है 45+ जिनकी एज है 45 साल से ज़्यादा वही यहाँ पर बुकिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जैसे ही 18 प्लस एज वालों का बुकिंग शुरुआत हो जाएगा तो मैं आपको एक डेडिकेटेड वीडियो बनाकर बता दूंगा कि किस तरीके से यहाँ पर अपॉइंटमेंट बुक करना है।
तो फिलहाल आप जो है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करके अपने फैमिली मेम्बर्स को ऐड करके रख लीजिए। तो जैसे ही यहाँ पर बुकिंग शुरू हो जाता है तो आपको सिंपली अपना वही मोबाइल नंबर एंटर करके गेट ओटीपी बटन पर क्लिक करना है और आप फिर से यहाँ पर लॉगिन हो जाएंगे। यहाँ पर जो है दोस्तों अपॉइंटमेंट बुकिंग नहीं हो रहा है अभी फिलहाल, लेकिन जैसे ही अपॉइंटमेंट बुक होना शुरू हो जाता है इसका मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेकर आ जाऊंगा। इसके लिए हमारे चैनल के साथ आप जरूर बने रहिए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे अगले आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।